मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गणेश राठौर श्री उमा विद्या मंदिर हैप्पी प्लेस से। आज हम अगले पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। जो अगला पद्यांश है वाक कविता से लिया गया है, जिसमें बताया गया कवित्री में जीवन रूपी बातों को बताने का प्रयत्न किया गया है। जीवन की भूसावर को पार कैसे किया जाता है, इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं, परंतु बार बार असफल हो जाते हैं उनके प्रयत्न, इसके बारे में कवित्री बताने का प्रयत्न कर रही है। आगे हम इसकी व्याख्या करने से पहले कुछ घटित शब्दार्थ देख लेते हैं। जिससे घटित शब्दार्थ में बताया गया, इसमें देव का अर्थ बताया गया ईश्वर, नाव नाव मतलब जीवन रूपी नैया बताया गया है, नाव मतलब जीवन रूपी नैया, कुक का अर्थ है कशक बताया गया है, कुक का अर्थ कशक। ये हमारे कुछ घटित शब्द हो गए। इसके बाद हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में क्या बताया गया कि यह कौन से पाठ से या कविता से लिया गया है, तो उस कविता का नाम लिखना होता है और उसके रचयिता का नाम हमको लिखना होता है, वही संदर्भ में लिखना रहता है। अब देखते हैं इसमें संदर्भ में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के वाक कविता से लिया गया है, उसके लिए कवित्री लग जी है। इस प्रकार इसका संदर्भ हो जाता है। और इसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में क्या बताया गया है, क्या लिखना होता है कि इसमें जो मुख्य बातें दे रखी है वही प्रसंग में लिखना होती है। तो मुख्य बातें इसमें क्या दे रखी है, जो हमने जैसे कि इसमें बताया गया, इसमें लिखा गया है, जैसे बताया गया कि प्रस्तुत पद्यांश में ईश्वर मिलन के प्रयासों की हीनता का उल्लेख किया गया है। क्या बताया गया कि ईश्वर को पाने के अलग लालसा में जिस प्रकार से बताने का प्रयत्न किया गया, ईश्वर को पाने की लालसा बार बार करते हैं, परंतु उनको पाने में असमर्थ रहती है, उनकी हीनता का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया। ये हो जाता है इसका प्रसंग। और प्रसंग के बाद आती है व्याख्या। व्याख्या में क्या होता है कि व्याख्या से भक्ति के माध्यम से करेंगे, पर व्याख्या से कोई हम विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या बताया देख सकते हैं हम, जैसे और कुछ जैसे बताया गया है रूपक और रूपस का अलंकार का प्रयोग किया गया है, पंक्तियों में सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है कवित्री के द्वारा, और इसमें कर सकते हैं कि ईश्वर को पाने की लालसा का प्रयत्न भी किया गया, परंतु वो विफल हो जाता है, बार बार प्रयत्न करते हैं परंतु उसमें असफल रहते हैं। इस प्रकार से इसकी इसका विशेष हो जाता है। विशेष के बाद हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखो, व्याख्या में बताया गया रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे रे सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहा हूँ घर जाने की चाह है। क्या बताया गया छक्का से पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे रे भूसागर पार। अर्थात छक्का से बताई कवित्री, मैंने कच्चे धागे से बांध कर खींच खींच कर मेरे जीवन की नैया को पार करने का प्रयत्न कर रही हूँ, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, अर्थात अपना जीवन की नैया को पार लगाना ना, जिस प्रकार से कवित्री बताने का प्रयत्न कर रही है। जाने कब सुने मेरी पुकार करे देव भूसागर, भगवान ईश्वर मेरी मेरे मन की लालसा मेरे हृदय के भाव को कब भगवान सुनेंगे, और मेरे जीवन की समुद्र रूपी भूसागर अर्थात करता है समुद्र रूपी सागर, समुद्र रूपी सागर को कब पार लगाएंगे, मेरे जीवन को पार या पार को लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे वेद प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रघु घर जाने की चाह है मेरे। अर्थात कवित्री क्या कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात जिस प्रकार से कच्चा सकोरा हमारा मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ जो सकोरा रहता है कच्चा रहता है, उसमें पानी भर देते तो पानी निकलता रहता है टपकता रहता है, उसी प्रकार से मेरे जितने भी प्रयास हो रहे हैं वेद प्रयास
लालसा हृदय में उत्पन्न हो रही है कि मैं मेरे ईश्वर के पास कब पहुंचूंगी, कब जाऊंगी, इस संसारी सागर को त्याग करके मैं ईश्वर के पास कब पहुंचूंगी। इस प्रकार से कवित्री बार बार हमको बताने का प्रयत्न करती हूँ, से बता रहा है तो घर जाने की चाह है मेरे, घर जाने की चाह अर्थात ईश्वर के पास पहुँचने की चाह है मेरे, है मेरे, कब मैं ईश्वर के पास पहुँचूंगी। इस प्रकार से ध्यान इसकी पूर्ण व्याख्या हो जाती है।